फैमिली कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के पूनम ब्लॉग्स के चैनल पे। तो कल मेरी मम्मी का टिकट है और आप लोगों ने देखा तैयारी जो से चल रही है। अभी मम्मी का पैकिंग भी नहीं हुआ है और इधर देखिए हम लोग भुजिया बना रहे हैं, मैं भाभी सब लोग मिल के बना रहे हैं। मम्मी भी है, मम्मी बेल रही है, हम लोग भर मैं या भाभी भर रहे हैं, भर के इधर साइड में रख रहे हैं क्योंकि लड़कियों के यहाँ जाओ तो खाली हाथ ना जाओ। जब भी कोई जाता है कुछ ना कुछ नहीं की जाता है, तो सब लोग मिल के भुजिया बना रहे हैं। भुजिया बनाने में कितना मेहनत लगता है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि पता है कि हमारा पिछला चैनल डिलीट हो गया है और इधर मेरा ब्लॉग आ गया है, चल रहा है। इसके बाद आप सबसे मिलती, देखिए कितना फैला हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी गुजिया बना रही है धीरे धीरे दिल्ली के लिए। और सभी सोना मेरी नहा के आ गई है, देखिए सूज संडिल सब कितना, इसको सूज संडिल का कितना वो शौक रहता है अपने हाथ का। अपने हाथ से कपड़ा भी पहनती है। और इधर इतना गुजिया बन गया है, उसको ढक दिया क्योंकि हवा लगेगा सूख जाएगा तो छानने में फटेगा। तो मम्मी भाभी से बोली है कि जाओ तेल रख दो कढ़ाई पे, तो गई है गैस पे कढ़ाई तेल रख के आई है। अंदर से फैमिली दिख नहीं रहा है, थोड़ा ज्यादा दिखा देता आप लोग को भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कढ़ाई में तेल भी डाल दिए हैं, तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। यहाँ पे देख सकते हैं सभी चीज होने के बाद तो नानी इधर गुजिया छानने लगी और इधर आधा हो गया, तो आधा आधा धीरे धीरे छानने के लिए कह रहा हूँ, आधा छान के हो गया तो आधा बाकी तो नानी धीरे धीरे कैसा है आप खाइए। अच्छा है, अच्छा है, खा है। मम्मी ने एक टेस्ट करके बताया कि अच्छा बना हुआ है, तो आप लोग भी ऐसे जरूर बनाइए और नानी सब करे तो बने रही आप लोग ब्लॉग में। तब तक नानी भजिया जी छीन थी, तो आपसे मुलाकात करते हैं। इधर देखिए बोल रहे थे ना पंकज भाई दिखाने के लिए, देखिए इधर खाना खाने आए हैं। ये दिन भर सब सोए रहते तभी इनका ड्यूटी चले जाते, जब सब सोए रहते हैं तब आते हैं। और इधर गुजिया बन गया है, छना भी गया है, जो मैदा बचा था और उसका देखिए शेवड़ा बना रही है, इधर काट रही है। तब कौन मिलेगा और हम जा रहे हैं छड़ाया है, टेस्ट करने जा रहे हैं। क्या 80 रुपये में लगा? हाँ तो आधा लीटर 80 का मिलेगा। बनाने बैठो एक चीज क्या क्या बन जाता है। वॉशिंग मशीन पे देखिए कपड़े इतना गज गए हैं, सुबह सब नहा रहे थे इतना कपड़ा धुलाया है, सब दोपहर में नहा रहे हैं उसका कपड़ा है। देखा नर्सर साहब कपड़ा गजा हुआ है। A few moments later. फैमिली इधर देखिए दोपहर का समय हो गया है और बुआ मेरी देखिए क्या पीस रही हैं, मर्चा पीस रही हैं और क्या क्या पीसी हैं मैं आप लोग को दिखाती हूँ। क्या क्या पीसी हैं, ये सौंफ है ना, और ये मेथी काला काला रहता है, ये मेथी है, वो मंगरेल है। अच्छा हाँ मंगरेल है, ये मेथी है, ये सौंफ है, धनिया है, ये धनिया है, ये मर्चा है, इतना लहसुन छिल के रखे हैं, इसको भी पीसेंगी। और ये सब सामान जानते हैं कितनी पड़ेगा, अचार में, क्योंकि बुआ के यहाँ अचार डालते हैं तो ख़राब हो जाता है, जब सबके यहाँ अचार नहीं सहता है ना। हाँ तो आई हैं तो सोच रही हैं अम्मा के हाथों का यहाँ पे अचार डलवा के रख दूँ, तो वो भी आज डलवाएंगी। आज तो संडे के दिन अचार नहीं पड़ता है, ये भी आप लोग जान लीजिए। कोई कोई काम खरवार को नहीं होता है, ये अचार हुआ, कढ़ौरी हुआ, ये सब शुभ माना जाता है। शादियों में देखो कढ़ौरी डालते हैं, तो पीस रही हैं और अचार बनेगा। जब अचार में सब मसाला मिक्स करेंगी मेरी दादी, तो मैं आप सबको दिखाऊंगी। फैमिली इधर देखिए सारा ये गुजिया सेवड़ा सब बन गया है। और इधर तो ये देखिए मम्मी इस छोटे से बॉक्स को मंगाई हैं, और इस बॉक्स में इतना ढेर इतना गुजिया और इतना सेवड़ा, इसको पैक कर रही हैं ले जाने के लिए दिल्ली। और मैं ससुराल जाने वाली थी, अब देखिए हमें लग रहा है कल क्या चीज़ नहीं, अब इतना केवल बचा है और मेरे लिए भी पैक कर दी है ले जाने के लिए। बोली बच्चे लोग खाएंगे, मैं आज जाने वाली थी लेकिन गई नहीं।
अब मम्मी चली जाएंगी तो मैं जाऊंगी। हाँ, और आर्यन उधर अंदर लेटा हुआ है पैकिंग वैकिंग करके। तो दिल्ली जाने के लिए मम्मी का एकदम केवल अभी ये सब पैक हुआ है, बैग नहीं पैक हुआ है, अभी आज बैग भी पैक करना है। तो इसलिए मैं स्कूल गई थी, सोच रही हूँ कि देखो एक दो दिन में क्या होता है, और ना गर्मी है कि कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, हालत बहुत बेकार हो गया है। देख रहे हैं जैसे लग रहा है नहाई नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ कि अपना वीडियो ये भी समाप्त कर दूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और आप लोग भी गुजिया खाइए आराम से, आप लोग भी गुजिया आराम से खाइए। इतना गर्मी में गुजिया बनाना हालत ख़राब हो जाता है। खाना बन जाए वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन गुजिया बन गया है। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। बाय बाय, टेक केयर।